हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट लेयर में से एक और ऑप्शन सीखेंगे, उसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो ये क्या करती है, ये इमेज को कर देती है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा कि इसका नाम है। अब फोटोशॉप में एक बार करने के लिए बहुत ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से भी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो है इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके डिसैचुरेट, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू। लेकिन इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो एक बार तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते वापस से। ओके, एक बार आपने इमेज ब्लैक एंड व्हाइट कर दी उसको आप री एडिट नहीं कर सकते, हम कर देंगे कंट्रोल सेट। लेकिन अगर आप यहाँ से यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का, तो आप यहाँ से इसको, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, सेकेंड री एडिट कर सकते हैं, और जब आपका मन हो इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं RGB और CMYK, जैसा कि हमें पता है अभी तक हमने इन्हीं के ऊपर वर्क किया है सबके ऊपर। फिर प्रीसेट्स, फिर ये आपको मिलता है आईड्रॉपर टूल, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे डार्क शेड की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज डार्क हो जाएगी, और ब्राइट शेड की साइड जाएंगे तो ब्राइट हो जाएगी। जिस भी कलर को आप चूज करेंगे उसका एक अलग इफेक्ट आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को चेंज किया, तो आप देखेंगे इमेज में जितनी भी ग्रीन चीजें हैं उन्हीं के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। यहीं पे अगर मैं ब्लू कलर को चेंज करूँ तो आप देखेंगे पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का था इमेज का, अगर आपको देखना है तो। ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर का है। ओके, अगर मैं अब इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे ब्लू कलर से रिलेटेड ही चेंज हो रहा है, बाकी पूरी इमेज में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये भी ब्लू है वो सियान था। फिर ये नेक्स्ट कलर हमारा, ये वाला कलर बहुत कम है, तो आप देखेंगे बहुत कम चेंजेस है। अब नेक्स्ट है हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है ये आई ड्रॉपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये कलर पिकर आ जाएगा या आई ड्रॉपर आ जाएगा, जो भी आप कहना चाहें वो आप इसको कह सकते हो। तो जैसा कि मुझे पता है यहाँ पे ग्रीन कलर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये हाईलाइट होगा, इसको देखना जब मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँ, तो ये वाला कलर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है। आपको देखना है और कौन से कलर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो, तो आप देखेंगे सब में रेड वाला हाईलाइट हो रहा है, रेड वाले। फिर यहाँ पे डार्क एरिया में जाएंगे तो ये फिर से ग्रीन को इशू करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन की शेड्स हैं। तो ये शेड्स पकड़ता है और उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टिंट का, तो ये है टिंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ये बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स है ये है कलर फिल बॉक्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप पूरी इमेज में कोई भी एक कलर दे सकते हैं, जस्ट लाइक सॉलिड कलर, जैसे कि हम सॉलिड कलर देते हैं उसी की तरह ये वर्क करता है। लेकिन मान लीजिए मैंने ये कलर दे दिया, आप कलर में चेंजेस नहीं होंगे, जो ब्लैक एंड व्हाइट हमने टोन दिया है उसी में चेंजेस होंगे। कलर सिर्फ एक शो के लिए है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ज्यादा यूज में नहीं आता। कुछ ऐसे इफेक्ट आपको मिलेंगे, आपको ये ट्राई करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको कलर नहीं देना, अनचेक कर देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं प्रीसेट्स, जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, हम ज्यादा इसको छेड़ते नहीं है सेटिंग्स को। तो आपको यहीं पे आपके काम के प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे ग्रीन फिल्टर हो गया, फिर लाइटर हो गया। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी इमेज के हिसाब से कौन सा सुटेबल है, आप वैसे ही इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब नेक्स्ट लेयर है हमारी, वो है फोटो फिल्टर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन है जो आपके सामने वो है फिल्टर, इस समय फिल्टर के ऊपर क्लिक है। तो ये क्या करता है, पूरी इमेज में एक कलर का फिल्टर लगा देता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं रेड क्लिक कर दूँ रेड के ऊपर, तो जैसे मैं यहाँ पे रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अभी इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसमें इफेक्ट आपको दिखाई दे तो आप इसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे। जैसे आप डेंसिटी बढ़ाएंगे आपको यहाँ पे रेड का शेड मिल जाएगा फुल इमेज में, और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा होगा, अगर आपको याद है तो ये हमने पहले भी किया है, प्रिजर्व लिमिनोसिटी। तो जैसे आप इसको अनचेक करेंगे आपको एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप देखेंगे इसने रेड कलर को और भी डार्क कर दिया। चेक करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट देगा, तो आपको ये बार बार अनचेक और चेक करके देखना होगा। वो वाला फिल्टर मिल जाएगा जो आप लगाना चाहते हैं, ये बहुत कम यूज में आता है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं यूज। ऑरेंज, यहाँ पे कूल फिल्टर्स हैं, तो इसको चेक अनचेक आपको करके देखना होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे कलर का, ये तो हो गए आपके प्रीसेट्स। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कोई कलर चूज करना है जो आपको प्रीसेट में नहीं मिल रहा, यानी फिल्टर में नहीं मिल रहा, तो आप क्लिक करेंगे जो भी कलर आपको चाहिए सिलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, ये कलर आपको लग रहा है कि कम है, तो आप जाएंगे यहाँ पे कलर लाइब्रेरीज में, एक कलर से रिलेटेड जितनी भी शेड चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डार्क लाइट, ओके आप यहाँ से चूज कर लेना। ये है अभी सॉलिड है, इसी में आपको और भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये बुक मिलेगी कलर बुक, यहाँ से आप और भी चूज कर सकते हैं जो आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको सारे कलर मिलेंगे, आपको हेल्प हो जाएगी, इसको कर देंगे ओके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट और फोटो फिल्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
हम पूरा फोटोशॉप सीखेंगे। अभी हमारे कुछ और एडजस्टमेंट लेयर ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 6 से 7 एडजस्टमेंट लेयर और रह गए हैं जो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे और फिर हम आगे और भी ऑप्शन सीखेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताएं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।